हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट के बारे में। दोस्तों गाइस, न्यूज़पेपर्स में काफी ज्यादा यूज होता है, तो क्या है ये इंस्पाइट ऑफ, क्या है ये डिस्पाइट, आइए देखते हैं दोस्तों। सो गाइस, सबसे पहले देखते हैं इंस्पाइट ऑफ। गाइस, एक सिचुएशन देता हूं आपको। अगर आपको ऐसा बोलना हो, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसके पास एक कार है और आपको कहना हो, यार कार होने के बावजूद वो ऑफिस बस से जाता है। इट मींस कि उसके पास कार है फिर भी वो कार का इस्तेमाल नहीं करता ऑफिस जाने के लिए, वो बस से जाता है। जैसे आपने किसी को बोला, यार पढ़ा लिखा होने के बावजूद वो कोई जॉब नहीं करता है, ना कोई बिजनेस करता है, वो खाली बैठा हुआ है। ये जो कुछ भी करने के बावजूद है, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट। तो न्यूज़पेपर में आपको डिस्पाइट ज्यादा मिलेगा और इंस्पाइट ऑफ भी मिल सकता है, दोनों सेम होता है दोस्तों। एक ज्यादा फॉर्मल है, थोड़ा कम फॉर्मल है। डिस्पाइट कुछ ज्यादा ही फॉर्मल, रिटेन में कुछ ज्यादा ही यूज होता है, बोलने में इंस्पाइट ऑफ लोग ज्यादा यूज कर देते हैं। तो आइए गाइस, देखते हैं क्या होगा स्ट्रक्चर। सो गाइस, मैंने सेंटेंस उठाया है कि कार होने के बावजूद। तो जैसे ही हमारा सेंटेंस यहां पे खत्म हुआ कि कार होने के बावजूद, तो समझ लीजिए कि यहां पर आपको इंस्पाइट ऑफ का इस्तेमाल करना है। इसके भी दो टुकड़े हैं कि कार होने के बावजूद, पहला टुकड़ा। दूसरा क्या है, वह बस से ऑफिस जाता है, यानी कि ये दूसरा टुकड़ा है। तो इसमें भी ये एक कंट्रास्ट वाला चैप्टर है कि उसके पास ये है फिर भी वो ये करता है, एक कंट्रास्ट दिखाना है। तो दोस्तों, हम रूल कौन सा लेकर के चलेंगे। सबसे पहले आपको बोलना है इन स्पाइट ऑफ। सेंटेंस की जब शुरुआत आप करते हैं तो आप बोलिए इन स्पाइट ऑफ, और इन स्पाइट ऑफ के बाद दोस्तों या तो पूरा का पूरा एक नाउन होगा तो आप नाउन लगा दीजिए। नाउन क्या होगा, जैसे आपने बोला यार बीमारी के बावजूद, तो बीमारी एक नाउन है, तो इन स्पाइट ऑफ इलनेस। आपने बोला कि हैवी रेन के बावजूद, यानी कि बहुत भारी वर्षा के बावजूद, तो इन स्पाइट ऑफ हैवी रेन। तो कोई भी ऐसा नाउन उठा लीजिए, हैप्पीनेस के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ हैप्पीनेस। तो जो नाउन का काम कर रहे हैं वहां पर आप नाउन उठाइए, एक पूरा एक वर्ड है जो नाउन है कि इन स्पाइट ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। या आपको अगर ऐसा बोलना है कि चोर होने के बावजूद, शादीशुदा होने के बावजूद, पढ़ा लिखा होने के बावजूद, ये जो होना आ जाए, तो इसके लिए आपको दोस्तों बीइंग लगाना होगा, बी ई आई एन जी, बीइंग। और बीइंग के बाद वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, जैसे चोर होने के बावजूद, तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ थीव, यहां पर उस होने के लिए आपने बीइंग का इस्तेमाल किया और चोर को आप थीव बोलेंगे। शादीशुदा होने के बावजूद बीइंग मैरिड, तो बीइंग के लिए वो होना। खूबसूरत होने के बावजूद इन स्पाइट ऑफ बीइंग ब्यूटिफुल, तो आप वो बीइंग लगा करके फिर वहां पर जो भी ऑब्जेक्ट है वो आप लगाते हैं। अगला होता है कि आप हैविंग भी लगा सकते हैं और हैविंग के साथ ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। हैविंग का मतलब क्या है कि कोई चीज आपके पास अगर है, जैसे कि कार होने के बावजूद, तो पास होना, कार का पास में होना, तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ कार। बैंक बैलेंस होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ हैविंग बैंक बैलेंस। तो कुछ भी होने के बावजूद, छाता होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ हैविंग एन अम्ब्रेला। सो गाइस, आप समझ रहे हैं कि अगर सिर्फ एक नाउन है तो इन स्पाइट ऑफ उस चीज का नाम ले लीजिए, इन स्पाइट ऑफ अ हाउस, इन स्पाइट ऑफ अ कार, इन स्पाइट ऑफ अ पेन, इस तरीके से। या अगर वो होना आ रहा है तो मैंने आपको समझाया इन स्पाइट ऑफ बीइंग मैरिड, इन स्पाइट ऑफ बीइंग एजुकेटेड। या अगर वो पास में होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ हैविंग टेंशन, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रबल, ऐसे दिखा सकते हैं। क्लियर है गाइस? इसके बाद कॉमा लगाइए, फिर आप एक सेंटेंस बोलिए कि ये होने के बावजूद क्या वो करता है, वो एक सेंटेंस आपको दिखाना है। आई होप मैं आपको बोर नहीं कर रहा हूं फ्रेंड्स, थोड़ा समझाना बहुत जरूरी है। वेल, कार होने के बावजूद कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो स्टार्टिंग हम करते हैं इन स्पाइट ऑफ से। इन स्पाइट ऑफ
तो कार होना, पास में कोई चीज होना, तो यहां ये भी होना लग रहा है, यहां बींग नहीं बोलेंगे, यहां आपको हैविंग बोलना होगा। बींग में भी आपको होना सुनाई देगा और हैविंग वाले में भी आपको होना ही सुनाई देगा, लेकिन आपको समझना है कि यहां बींग मतलब कोई पर्सनैलिटी है, आप एक एजुकेटेड है, मैरिड है, चोर है, और हैविंग वाले में आपके पास कोई चीज है, हैविंग अ कार, हैविंग अ बाइक, हैविंग अ बुक। तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ कार, यानी कि आपके पास, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ कार कॉमा, यानी कि कार होने के बावजूद सेंटेंस क्या है, वह बस से ऑफिस जाता है। इसको ट्रांसलेट कीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ही गोज टू ऑफिस बाय बस, इस तरीके से बोल सकते। तो पूरा का पूरा सेंटेंस क्या हो गया कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ कार He goes to office by bus. एक और सेंटेंस देखते हैं। बीमार होने के बावजूद, बीमार होना, देखिए इसमें भी होना आ रहा है, बीमार होने के बावजूद, तो पहला टुकड़ा तो आपका ये हो गया, फिर है वह स्कूल गया, ये दूसरा टुकड़ा हो गया, यानी कि वो बीमार था फिर भी वो स्कूल गया। तो हम कैसे करेंगे, स्टार्टिंग इन स्पाइट ऑफ से करते हैं, तो आप बोलिए इन स्पाइट ऑफ, अब यहां जो होना है वो बीमार था, उसके पास कुछ नहीं था, तो बींग का इस्तेमाल करेंगे, इन स्पाइट ऑफ बींग इल कॉमा, वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल, पूरा सेंटेंस है, इन स्पाइट ऑफ बींग इल ही वेंट टू स्कूल। गाइस अगर आप चाहें तो पहले सेंटेंस बोलिए, लास्ट में इन स्पाइट ऑफ भी आप लगा सकते हैं, एक्सक्यूज मी, जैसे he went to school in spite of being ill, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं कि he goes to office by bus in spite of having a car, जिसके समझ में जैसा आए, जिसके मुंह से पहले जो निकल जाए वो ऐसा बोल सकता है दोस्तों। सो गाइस आई होप आपके समझ में आया होगा, एक दो एग्जाम्पल्स मैं और बोलने की कोशिश करता हूं, आप समझिए दोस्तों। अगर सेंटेंस है कि रोज दौड़ने के बावजूद मैं अपना वजन कम नहीं कर पा रहा हूं, अगर ये सेंटेंस है, तो रोज दौड़ने के बावजूद हम कैसे बोलेंगे, इन स्पाइट ऑफ रनिंग डेली। गाइस एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर इस हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट के बाद अगर आप कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें सिर्फ वर्ब हो, तो आप आईएनजी लगा सकते हैं, वर्ब में आईएनजी लगा सकते हैं, जैसे दौड़ने के बावजूद इन स्पाइट ऑफ रनिंग, खाने के बावजूद इन स्पाइट ऑफ ईटिंग, आप डायरेक्ट वर्ब में आईएनजी लगा सकते हैं दोस्तों। तो ये मैं बता रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। सो गाइस सेंटेंस है कि दौड़ने के बावजूद मैं अपना वजन नहीं कम कर पा रहा हूं, इन स्पाइट ऑफ रनिंग डेली, यानी कि रोज दौड़ने के बावजूद आई एम नॉट एबल टू लूज माई वेट या रिड्यूस माई फैट, इस तरीके से बोल सकते हैं दोस्तों। बहुत सारा खाना खाने के बावजूद मैं पतला हूं, इन स्पाइट ऑफ ईटिंग अ लॉट ऑफ फूड आई एम स्लिम। सो गाइस आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसी का डिस्पाइट में कैसे इस्तेमाल होता है दोस्तों। सो गाइस देखिए, आप चाहे तो सेंटेंस की शुरुआत इन स्पाइट ऑफ ना बोल करके डिस्पाइट बोलिए। डिस्पाइट में आपको अलग से ऑफ नहीं लगाना होता, सिर्फ डिस्पाइट आप बोलिए। डिस्पाइट के बाद सेम है, अगर नाउन है तो नाउन बोलिए, बीइंग है तो बीइंग के साथ ऑब्जेक्ट लगाइए, अगर वो हैविंग वाला है तो हैविंग के साथ ऑब्जेक्ट लगाइए, और अभी जो मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट वर्ब में आप आईएनजी लगा सकते हैं, फिर उसके बाद कॉमा देकर एक सेंटेंस। अगर मैं इसी सेंटेंस को बोलूं कि कार होने के बावजूद वह बस से ऑफिस जाता है, तो हम कैसे बोलेंगे, कार होने के बावजूद, आप डिस्पाइट से उठाइए डिस्पाइट, और डिस्पाइट के बाद आप यहां से हैविंग अ कार लगाइए, डिस्पाइट हैविंग अ कार कॉमा, वह बस से ऑफिस जाता है, ही गोज टू ऑफिस बाय बस। अगर मैं इसी सेंटेंस को बोलूं कि बीमार होने के बावजूद वह स्कूल गया, तो आप डिस्पाइट से भी बोल सकते हैं कि डिस्पाइट बीइंग इल ही वेंट टू स्कूल।
सो आप इन स्पाइट ऑफ बोलिए या डिस्पाइट बोलिए, दोनों का मतलब सेम है। फर्क यह है कि डिस्पाइट के साथ आप ऑफ नहीं लगाएंगे दोस्तों, इन स्पाइट के साथ आपको ऑफ लगाना होता है। तो मैं कुछ सेंटेंसेस बोलता हूं फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिए। दवाई लेने के बावजूद वह ठीक नहीं हो रहा है। अगर आप डिस्पाइट से चाहें तो बोल सकते हैं कि डिस्पाइट टेकिंग मेडिसिन ही इज नॉट गेटिंग वेल। और अगर आप इन स्पाइट ऑफ से चाहें तो बोल सकते हैं इन स्पाइट ऑफ टेकिंग मेडिसिन ही इज नॉट गेटिंग वेल। सरदर्द होने के बावजूद मैंने मूवी एंजॉय किया। इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ हेडेक आई एंजॉयड द मूवी। या डिस्पाइट हैविंग अ हेडेक आई एंजॉयड द मूवी। सो गाइस, इस वीडियो को मैंने पार्ट वन रखा है ताकि मैं आपको इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट के बारे में बता सकूं। मैं आपसे पार्ट टू वीडियो में मिलूंगा इसी का, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट और डिस्पाइट द फैक्ट दैट। तो ये अगला वीडियो मेरा होगा दोस्तों। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। वेल, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपके समझ में आया हो तो जो लोग मुझसे अब तक नहीं जुड़े हैं प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग जुड़ चुके हैं गाइज, लेट्स मीट इन अदर वीडियो जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।